हेलो बच्चों, फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो 10th क्लास में फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने से पहले हम लाइट के बारे में कुछ जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, 6th में, 7th में, 8th में, तो उसकी कुछ बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो ले लेते हैं। फर्स्ट है व्हाट इज लाइट, राइट? सो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। तो आपके आसपास जो भी चीजें हैं उनको जो आप देख पाते हो अपनी आई की हेल्प से, एक्चुअली उसमें लाइट की प्रेजेंस की जो प्रेजेंस है वही आपको उसको देखने में हेल्प करती है। विदाउट लाइट यू कैन नॉट सी एनीथिंग दैट इज अराउंड यू, राइट? सो लाइट इट दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। नेक्स्ट, लाइट इज कंसिस्ट ऑफ, तो कोई पूछे कि आपसे लाइट किससे बनी है, किस चीज से बनी है, जैसे आप पूछे कि घर किससे बना है, तो आप ईंटों से बनाएंगे, ठीक है? तो इस तरह से लाइट किससे बनी है, एक मासलेस पार्टिकल से, विच इज नोन एज फोटो, राइट? सो कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है, वन वन में ध्यान रखिए, लाइट इज कंसिस्ट ऑफ फोटो। और आपने 6, 7, 8 में हर क्लास में पढ़ा होगा लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, जो प्रोपगेट करती है, प्रोपगेट मीन्स ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, सो इट फॉलो ए स्ट्रेट पाथ टू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो अगर लाइट ट्रेवल कर रही है तो इसकी कोई स्पीड भी होगी। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? सो वैक्यूम में जो है, अब वैक्यूम क्या है वो समझे, एक ऐसा स्पेस जहां पर कोई पार्टिकल प्रेजेंट ना हो, आइदर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस, राइट? सो जहां पर कोई भी पार्टिकल, कोई भी मैटर प्रेजेंट नहीं होता, उस एरिया को हम बोलते हैं वैक्यूम। और वैक्यूम में एक स्पीड ऑफ लाइट होती है 3×10^8 इन मीटर पर सेकेंड। इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट इन किलोमीटर पर सेकेंड, देन इट विल बी 3×10^5, राइट? नेक्स्ट इज लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट? EMA, इन शॉर्ट EMA। सो ऐसी वेव जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी सॉलिड, लिक्विड और gaseous medium to travel from one point to another, right? So electromagnetic wave can be can travel in vacuum also. इसलिए जो sun से earth पर light आती है वो vacuum से होते हुए भी आती है. It can travel in medium also. ठीक है? ऐसा doubt नहीं है कि आप vacuum में travel कर सकती है तो medium में नहीं कर सकती. ये दोनों में कर सकती है. Vacuum में भी कर सकती है और medium में भी कर सकती है. And remember one thing: speed of light in different medium आर डिफरेंट। सो अलग अलग मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी वो डिफरेंट होगी। वैक्यूम में ये है, ठीक है? एयर में स्लाइटली से कम होती है, लेकिन कैलकुलेशन पर्पस के लिए आप अपनी क्लास में जहां भी देखेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3×10^8 आपको गिवन होगा या क्वेश्चन में मेंशन होगा। नेक्स्ट, जो मीडियम की बातें कर रहे हैं, ये मीडियम क्या है? सो इट इज दैट मैटर in which light propagates means travels, moment को बोल रहे हैं propagate, ठीक है? So जिसमें light travel करती है उस matter को हम medium बोल रहे हैं। तो light को travel करने के लिए आपको जो matter चाहिए वो transparent हो या translucent हो, ठीक है? opaque में travel नहीं कर सकती। तो remember, तो जो भी लाइट के हम केस में मीडियम पढ़ेंगे वो ट्रांसपेरेंट होंगे, लाइक वाटर, ग्लास, डायमंड, ठीक है? कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑयल है, ठीक है? इस तरह से, तो वो आपके मीडियम हो जाएंगे, ठीक है? राइट, एक बार इसको नोट कर ले अपनी नोटबुक में, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। यस सर, नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो व्हाट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस? सो एनी सरफेस दैट हैज एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट लाइट। सपोज हमने यहां पर एक मिरर लिया, प्लेन लिया, दिस इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, राइट?
इस केस में जो भी लाइट इस पे फॉल होगी, एनी लाइट दैट फॉल ऑन द सरफेस, और ये इसको इसी मीडियम में जिस लाइट लाइट जिस मीडियम में ट्रैवल करके इस पर इंसिडेंट हो रही है उसी मीडियम में ये इसको बाउंस बैक कर रही है, राइट। इसी लाइट को जब ये इस पे स्ट्राइक करे और ये बाउंस बैक हो जाए सेम मीडियम में, तो इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे आपका कोई नेचर है या बिहेवियर है वो आप सोसाइटी में रिफ्लेक्ट करते हैं, सोसाइटी से उसको गेन करते हैं और सोसाइटी में रिफ्लेक्ट करते हैं, द सेम थिंग। तो लाइट जिस पर इंसिडेंट होती है सरफेस पर वो लाइट को उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर देता है, दिस इज नोन एज अ रिफ्लेक्शन। अगर ये लाइट के केस में हो रहा है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, साउंड के केस में भी होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, राइट। सो इस तरह से सरफेस दैट हैज एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट द लाइट इन द सेम मीडियम, राइट। नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, so simply say the bouncing back of light rays in the same medium after striking to the reflecting surface, right? So write down the definition. First definition of this term is reflection of light. Yes. Next one, the what is a light ray and how we represent a light ray? So light ray को आप कैसे represent करते हैं? Simple एक light draw करें, straight light, like this, and draw an arrow in either direction. ये एरो रिप्रेजेंट करेगा बेटा डायरेक्शन ऑफ लाइट, इन विच डायरेक्शन लाइट इज गोइंग। तो यहां इस केस में यहां से लाइट इस तरफ जाती है, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करें, लेकिन जैसे आप एरो चेंज करेंगे वो इधर से इधर। सो जस्ट एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो इस चैप्टर में आप कहीं भी लाइट को रे को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो एरो जरूर आप उस पर इंडिकेट करें। नेक्स्ट इज बीम ऑफ लाइट। सो बहुत सारी रेस को आप एक साथ इकट्ठा ले लेते हैं, है ना। इफ यू टेक ए नंबर ऑफ लाइट रेस टुगेदर, सो इसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, राइट। अभी बीम तीन तरह से हो सकती है, इट मे बी पैरेलल लाइक दिस, राइट, इट मे बी डाइवर्जिंग। तो डाइवर्जिंग होने के केस क्या होगा, कोई पॉइंट सोर्स से लाइट का, तो इससे जो लाइट जाएगी वो हर डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो हम एक तरफ अगर एक किसी डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंसीडर करें तो इस तरह से होंगी, तो एक पॉइंट से लाइट बिखरती हुई जाएगी लगातार और ये लाइट रे आपस में दूर होती जाएंगी। सो सच बीम ऑफ लाइट रेज इज नोन एज डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट रेज। और अगर बहुत सारी लाइट रे अलग अलग पॉइंट से आ रही है और वो एक पॉइंट पर मीट हो रही है, कन्वर्स हो रही, सो दैट इज नोन एज कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट रेज, ठीक है। तो अब जब हम आगे रे डायग्राम डिस्कस करेंगे तो उस केस में इनकी इंपॉर्टेंस रहेगी। तो आप रे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बीम कैसे होती है, ये सभी, ये आपकी डाइवर्जिंग बीम है जो एक पॉइंट से स्प्रेड आउट हो रही है और एक पॉइंट पर आकर मीट होती है लाइट रेज, तो उसको कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं, राइट। इसको आप नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ें।